Hello dear students, welcome to my channel Prep Tab. My name is Himanshu and I graduated from IIT Kharagpur in 2014. I cleared my JEE in 2009 and since past 5 years I am teaching to JEE and NEET aspirants. Theek hai? And this is part 2 of F block elements in which I am going to share ki kaise aap kisi bhi F block ke element ki electronic configuration likh sakte ho. Theek hai? और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं आप मेरे साथ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठोगे एंड जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूं कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जो ट्रिक्स बताऊं वो आप नोट डाउन करोगे और उन्हें समझने की कोशिश करोगे ठीक है एंड डेफिनेटली आई कैन गारंटी दिस कि ये वीडियो के बाद आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं होगी ठीक है बट प्रोवाइडेड आप उसको मेरे साथ याद करोगे लिखोगे ठीक है एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड यू थिंक इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल और एट लास्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन वेदर इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट ठीक है चल सो शैल वी स्टार्ट ओके ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट वन कि ये लेंथेनाइड सीरीज है ये एक्टिनाइड सीरीज है लेंथेनाइड सीरीज शुरू होती है 58 से लेकर 71 तक और एक्टिनाइड होती है 92-103 ठीक है कौन से पीरियड में आता है ये भी हमने डिस्कस किया था सिक्स्थ पीरियड और ये है सेवन्थ पीरियड राइट थर्ड बी ग्रुप में ये प्रेजेंट है पूरे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना एक चीज अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं तो आपने नॉर्मली आप कैसे लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मान लो अगर मुझे क्लोरीन की लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17 आप क्या करते हो नोबल गैस लिखते हो जो उससे पहले आती है नियॉन आती है क्लोरीन से पहले तो नियॉन एटॉमिक नंबर इज 10 अब उसके बाद 3s2 3p5 ऐसे आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना तो आपको ये नोबल गैस पता होनी चाहिए कि इससे पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है सिक्स्थ पीरियड से पहले जो नोबल गैस आती है दैट इज ज़ीनॉन कौन सी आती है ज़ीनॉन एटॉमिक नंबर क्या है ज़ीनॉन का 54 ठीक है और सेवन्थ पीरियड से पहले यानी कि सिक्स्थ पीरियड के एंड में कौन सी नोबल गैस आती है दैट इज रेडॉन रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 86 32 एलिमेंट्स का गैप है टोटल राइट ये आपने पढ़ा होगा मैजिक नंबर्स तो ज़ीनॉन 54 रेडॉन 86 ये याद होना चाहिए ठीक है तो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख लेंगे नहीं तो आप पूरा शुरू से लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 वहां से लिखना पड़ेगा अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो फर्स्ट थिंग ओके अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि एक जनरल रूल क्या है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का वो है कि आप पहले आपने नोबल गैस लिख दिया जनरल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आप लिखते हो NS2 N-1D 0 हो सकता है 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है और N-2F1-14 टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं आपको एफ सब शेल में तो 1 से लेकर 14 तक आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो इन एफ कौन से में N-2 N क्या है 6 या फिर 7 मतलब अगर ये 6 है तो आप क्या लिखोगे 6s2 6-1 यानी कि 5d 0 हो सकता है 1 या फिर 2 फिर N-2 मतलब 6-2 तो 4f1-14 ठीक है ऐसे ही अगर ये सेवन्थ पीरियड का है तो आप क्या लिखोगे 7s2 7-1 दैट इज 6d 0 1 या फिर 2 फिर 5f1-14 ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है फॉर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्लियर है अब बताओ फिलिंग कैसे करोगे पहले 6s में भरोगे या 5d में भरोगे या 4f में भरोगे अफबाउ रूल ये डिसाइड करता है कि एनर्जी ऑर्डर क्या होना चाहिए सब शेल्स का है ना कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा एन प्लस एल रूल यूज कर लेते हैं
6s, n is 6, l is 0, तो 6, 5d, 5 plus 2, तो 7, and 4f, तो 4 plus 3, that is also 7, तो सबसे कम एनर्जी 6s के, तो सबसे पहले इसमें फिल होगा, फिर किस में जाएगा, 4f में, फिर 5d में, ये होना चाहिए, ठीक है, but एक चीज ध्यान रखनी है आपको, हमने ये डिस्कस किया था कि ये लेंथेनाइड के बाद आता है और लेंथेनाइड किसका पार्ट था थर्ड ग्रुप का विच इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आप 5d में एंटर करवा देते हो और फिर उसके बाद 4f में फिलिंग करना शुरू करते ठीक है चलो लेट्स सी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले लेंथेनाइड्स की लिख लेते हैं ऑलरेडी मैंने आपके साथ एटॉमिक नंबर और सभी एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया उनके निमोनिक्स आपको बता दिए है ना तो सबसे पहले क्या था सेलिना प्रीति सेलिना और प्रीति ने डंडे से मारा तो दिस इज एटॉमिक नंबर 58 59 60 61 62 फिर यूरोप गए डीवाई डिस्प्रोसियम 66 होलियम देन अरबियम थूलियम यटरबियम एंड यू हैव ल्यूटेशियम ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि क्या एटॉमिक नंबर होता है फॉर विच एलिमेंट ठीक है गाइस तो अब देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं लेंथेनाइड्स के लिए हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं क्या आएगा पहले ज़ीनॉन आएगा ज़ीनॉन 54 देन योर 6s2 फिर 5d में या तो 0 होगा या 1 होगा एंड फिर 4f में आप 1 टू 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे ठीक है अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट इज f ब्लॉक में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 14 ठीक है जीरो में क्या है वो एम्प्टी है ना 14 पे क्या है वो फुली फिल्ड है और बीच में क्या आ गया 7 पे वो क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड ठीक है तो 7 और 14 बहुत ही स्टेबल स्टेट्स होती हैं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये हमें पता है तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ये बहुत स्टेबल है फर्स्ट थिंग जब 7 होगा और 14 होगा दूसरी चीज जो एक इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि जब F में लेंथेनाइड्स के लिए F2 और F8 ये कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता क्या नहीं आ सकता या तो F2 या F8 ये नहीं आता ठीक है तो जब भी ये आएगा मैं आपको बताऊं कि आपको वहां पे क्या करना है ठीक है उसको फॉलो करना सीरियम 58 तो ज़ीनॉन 54 है तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं है ना तो सबसे पहले तो 6s2 दो भर दिए अब बचे कितने दो भरने पहला जाएगा 5d1 फिर 4f1 ठीक है ये भर दिया अब नेक्स्ट ज़ीनॉन 54 6s2 56 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए 59 चाहिए तीन और भरने हैं पहले ऐसे करते हैं 5d1 4f2 ये भर दें लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया F2 आपको नहीं भरना ठीक है F2 नहीं भरना तो F2 नहीं भरना अब क्या करें D से ये जो इलेक्ट्रॉन है D वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आप इसमें फिल कर दो F में ठीक है D वाला इलेक्ट्रॉन F में फिल कर दो तो क्या हो जाएगा तो इट विल बी 5d0 4f3 ठीक है तो इस तरह से आप सेव कर सकते हो कि कैसे F में 2 ना आए फॉर लेंथेनाइड्स फिर ज़ीनॉन 54 6s2 अब ऐसे ही कंटिन्यू करो 5d0 ही रखना है तो 4f4 फिर ज़ीनॉन 54 6s2 4f5 ज़ीनॉन 54 6s2 4f6 ठीक ज़ीनॉन 54 6s2 4f7 देखो यहाँ पे f7 आ गया हाफ फिल्ड स्टेबल ठीक है गैडोलियम में
यार देखो, हमें हमने अभी क्या डिस्कस किया, हाफ फिल्ड जो है और फुली फिल्ड जो है ये स्टेबल है। तो अगर एक और एलिमेंट में हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड हो जाए तो मजा आ जाएगा, है ना? तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं? अब फिर वापस 5D को ले आओ। तो 5D1 4F7, तो इस तरह से आप एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो 5D में डाल सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ आया? अभी तक देखो, ये हमने 7 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी। टोटल 7 में से देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स जहां पे डी की फिलिंग हुई है, जहां पे 5D1 आया है। कौन सा? सीरियम और गेडोलियम। बाकी सब में डी जीरो है, 5D0 है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2-3 बार लिखोगे बच्चों तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज दोबारा आप अपनी नोटबुक में करो, इसी तरह से आप उसको लिखो, बहुत इजी लगेगा आपको। अब टर्बियम देखो, अब 5D में 1 ही भर सकते हैं, और तो नहीं भर सकते। ठीक है, तो जब मैं टर्बियम के भरूं तो ये क्या हो जाएगा, 4F8। लेकिन मैंने क्या बोला, F8 नहीं करना। फिर क्या करें अगर F8 नहीं करना? तो 5D से निकाल के F4F में डाल दो। ठीक है, तो ज़ेनॉन 54 ये ऐसी रहेगा, 6S2 भी ऐसी रहेगा, ये क्या बन जाएगा, 4F9, 5D0, ज़ेनॉन 54, 6S2, 4F10, जब तक जरूरत नहीं है, 5D में डालने की जरूरत नहीं है। ज़ेनॉन 54, 6S2, 4F11, ज़ेनॉन 54, 6S2, 4F12, ज़ेनॉन 54, 6S2, 4F13, ज़ेनॉन 54, 6S2, 4F14। तो अब यार 14 भर गया, अब बताओ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजे, कहाँ आप उसको एंटर करवाओगे? इट इज ज़ेनॉन 54, 6S2, 4F14, फिर 5D1, 5D में डाल देंगे, है ना? तो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, अब आपने मेरे साथ तो एक बार लिखा होगा, समझा होगा। अब इसको एक बार आप खुद से बिना देखे सब एलिमेंट्स को लिखो और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, ट्रस्ट मी, आप लिख लोगे। और फिर आपको अगर मैंने एटॉमिक नंबर दे दिया और आपको बता दिया ये एलिमेंट है, आपको दिक्कत नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। ठीक है, बट फॉर एग्जाम पर्पज आपको एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए हर एफ ब्लॉक एलिमेंट के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स में जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? रेडॉन 86, 7S2, ये सब में कॉमन होगा। 6D022 हो सकता है, और 5F1 to 14 ये आपका जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें भरना है। ऑलरेडी अगेन 7 और 14 हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, F7 और F14, तो ये स्टेबल है। सबसे पहले मैं सभी एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। वी हैव थोड़े फ्रॉम 90, थोड़े पहलवान, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, BK97, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियन, नोबलियम, एंड लास्ट इज लॉरेंशियम, LR, लॉरेंशियम। ठीक है, सो ये मैंने सभी एलिमेंट्स को नोट डाउन कर लिया। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सबकी। F में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल करना है। 7S2 कॉमन रहेगा, रेडॉन कॉमन रहेगा। एक चीज, जैसे लेंथेनाइड्स में F2 और F8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है ना, तो सेम वे यहाँ पे क्या नहीं आता? F1, F5 और F8 ये आपको नहीं लाना है। कौन कौन सा? F1, F5 और F8,
ठीक है, ये नहीं आएगा। चलो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या नहीं लिखना है, F1, F5 और F8, वहाँ पे देखते हैं D को कैसे हम स्विच करेंगे। थोरियम 90, रेडॉन 86, 86 भर दिए, चार और चाहिए मुझे, तो 7s2 दो और भर दिए, टू मोर आर रिक्वायर्ड, लेट्स सी 6d1, 5f1, लेकिन हमने क्या बोला, F1 नहीं आएगा, तो ये मुझे नहीं लिखना, ठीक है। इसके जगह पे आप क्या करोगे, इसको एज एन एक्सेप्शन याद कर सकते हो कि ये 6d2 हो जाता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग 6d0, 5f2, ये क्या बन जाता है, 6d2, ठीक है, इसको एज एन एक्सेप्शन आप लोग याद रखो, ठीक है। थोरियम में क्या होता है, 6d2, क्योंकि हम F1 नहीं लिख सकते, तो हम उसको 6d2 कर देते हैं। देन प्रोटेक्शिनियम, रेडॉन 86, 7s2, 6d1, 5f, कितने बचे हैं, 3, 5f2, ठीक है, अभी d चलता रहेगा, 86, 7s2, 6d1, 5f3, रेडॉन 86, 7s2, 6d1, 5f4, रेडॉन 86, 7s2, अब देखो अगर मैं एक और भरूं 6d1, तो ये जगह 5f5, लेकिन मुझे f5 नहीं लिखना, तो इसको क्या कर ले, 6d0, 5f6, d0 से हटा दिया, d से इलेक्ट्रॉन हटा दिया, किस में डाल लिया, f में, 5f6, रेडॉन 86, 7s2, अब ऐसे ही चलते जाओ, 5f7, रेडॉन 86, 7s2, हाफ फील्ड आ गया, एक और हाफ फील्ड बना सकते हैं, कैसे, d में इलेक्ट्रॉन एंटर करवा के, 5f7, 6d1, ठीक, रेडॉन 86, 7s2, ये हो जाएगा 5f8, लेकिन F8 मुझे नहीं चाहिए, तो अगेन वापस D से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5F9, D0, रेडॉन 86, 7S2, 5F10, रेडॉन 86, 7S2, 5F11, रेडॉन 86, 7S2, 5F12, मेंडलीवियन, रेडॉन 86, 7s2, 5f13, रेडॉन 86, 7s2, 5f14, और फिर अब अब फुली फिल्ड हो गया, क्या करें, 7s2, 5f14 और 6d1, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लॉरेंशियम का किसमें गया, 5d में, राइट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं फिलिंग कैसे होती है। तो बच्चों ये है एक्टिनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नो डाउट कोई दीन ईमान नहीं है, कोई भी कहीं से भी निकाल के किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दे रहे, बट हमें याद करना है तो उसके लिए हमें कोई ट्रिक चाहिए, है ना। और इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे थोरियम, ये जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं इनमें डी आ ही रहा है, बट उसके बाद डी नहीं आ रहा, फिर कहाँ आ रहा है, क्यूरियम पे, और लास्ट में आ रहा है लॉरेंशियम पे, कहाँ कहाँ आ रहा है, लॉरेंशियम, क्यूरियम और ये थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, ठीक है। ऐसे ही लेंथेनाइड्स में कहाँ आ रहा था, लेंथेनाइड्स में सीरियम, गेडोलियम और ल्यूटेशियम, सिर्फ इनमें डी आ रहा था, डी में फिलिंग हो रही थी, बाकी किसी में डी में फिलिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे याद रख लो कि यार मुझे F2 और F8 नहीं भरना, फिर उस हिसाब से आप फिलिंग करो, क्लियर। चलो अब लेट्स सी किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे से इस पे आते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बायवेलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवेलेंट सीरियम, मतलब यूरोपियम इज EU, तो बायवेलेंट 2+ हो गया, सीरियम Ce 3+, ठीक है। इन पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी बतानी है। नॉर्मली जितने भी लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल होती है, ठीक है।
प्लस थ्री भी होती है उनके पास, प्लस फोर भी हो सकती है, प्लस टू भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अमंग ऑल दीज जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है बच्चों? प्लस थ्री. ठीक है, तो यूरोपियम आपको एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो यूरोपियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो पहले, तो 63 है, तो सबसे पहले जिनॉन 54, फिर 6s2, टोटल कितने भर लिए? 56, 56 फिल कर लिए हैं, 7 और फिल करने हैं मुझे, तो इसको पहले क्या लिखेंगे? 4f7. ठीक है, 4f7, 5d में नहीं फिल करना है, तो इट विल बी 6s2, 4f7, जिनॉन 54. ठीक, दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होते हैं तो वो आउटर मोस्ट शेल से रिमूव होते हैं, जो वैलेंस शेल है. अब आप देखो ये फोर्थ शेल में है, ये सिक्स्थ शेल में, राइट? तो जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो यहां से रिमूव होगा, सिक्स्थ शेल वाला बाहर है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. तो EU2 प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ज़िनॉन 54, 4F7. ऑप्शन देख लो, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, बाकी दोनों आप डिस्कार्ड कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है? सीरियम. सीरियम के पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. ज़िनॉन 54, एटॉमिक नंबर 58 है, 6s2, 5d1, 4f1, भर दिया. क्या चाहिए मुझे? सीरियम 3 प्लस. सबसे पहले कहाँ से रिमूव करोगे? सबसे पहले हम निकालेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन, तीन निकालने हैं टोटल, टू हमने 6s से निकाल दिए, एक 5d से निकालेंगे क्योंकि वो आउटर मोस्ट है, तो ज़िनॉन 54, बचेगा क्या? 4f1. अब देखो किससे मैच करता है, ये मैच कर रहा है तो ये आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है, ये तभी सिंप्लीफाई होगा गाइस अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखनी आती है, अदरवाइज इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो बहुत आसानी से. ठीक, तो मेक श्योर कि आप उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनाइड्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन 6d ऑर्बिटल. एक्टिनाइड्स का 6d में जाता है. हमने एक चीज ये भी ध्यान लर्न कर ली है कि थोरियम, थोरियम में d2 होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है. फिर क्या आता है? प्रोटेक्टिनियम, इसमें d1 होता है. यूरेनियम में d1 होता है. नेप्ट्यूनियम में d1 होता है, इनमें होता है. फिर उसके बाद किस में होता है? क्यूरियम एंड लास्ट में लॉरेंशियम, इनमें d1 इलेक्ट्रॉन आता है. अब आप इसे मैच कर लो. नोबेलियम में नहीं है, फर्मियम में नहीं है, अमेरिशियम में नहीं है, यूरेनियम में है. ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. सोचो मुझे 10 सेकंड्स लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, बिकॉज आपको मुझे आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. 64th इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एक्स विद एटॉमिक नंबर 64 एंटर्स. 64 किसका होता है? गैडोलियम का. नहीं भी याद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया. तो ज़िनॉन 54, 64 से पहले 54 वाली नोबल गैस आएगी, फिर उसके बाद 6s2, 5d1, बच्चे कितने कितने भर लिए हमने? 657 भर लिए, 7 और भरने हैं, 4f7, ये होगा गैडोलियम का. तो जो 64th एलिमेंट है पहले 4f में भरता है, फिर 5d में फिल होता है. ये ध्यान रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में. तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 3. ठीक है, ये आप मिस्टेक कर सकते हो, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ध्यान से लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो आई होप आपको अब बहुत इजी लगेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बट बच्चों प्लीज इसको 2 से 3 बार आप अपने नोटबुक में लिखो खुद से बिना देखे. ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, आप उनको करो. उसके बाद आप देखो आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा. कोई भी क्वेश्चन आएगा एफ ब्लॉक पे, आप तुरंत कर दोगे. ठीक है, तो आई विश यू गुड लक. प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, एंड एक चीज और करनी है क्या, कॉमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि कैसा था ये वीडियो, वॉज दिस हेल्पफुल फॉर यू और नॉट. ठीक है, बिकॉज वो मुझे भी तो मोटिवेशन देगा कि यस आई एम मेकिंग सम हेल्पफुल कंटेंट फॉर यू गाइज. तो प्लीज डू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.